मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेबर स्टैंड की जो है वैकेंसी डाल दी है, निकल गई है, और उसे भी इसके फॉर्म भरने में आ रहे हैं। तो आप लोगों ने आई होप फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, और नहीं किया है तो आप जो है उसको फॉर्म को अप्लाई करें। और आज से हम जो है बायो मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर लेबर स्टैंड का पूरा कोर्स आपको इस पर करवाएंगे। तो आप इसको कंटिन्यू चैनल पे बने रहें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और बाकी दोस्तों को भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना है। तो ठीक है, आज से हम केमिस्ट्री का स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। माय नेम इज चंद्रमोहन गुर्जर, सीएम सर आप जानते हैं, फिर भी स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे दिस वन इज हाइड्रोकार्बन, ये आपके पता है मीथेन है, लेकिन इसका नामकरण अभी आपको करना सिखाएंगे कि मीथेन क्यों नाम दे दिया अपन ने इसको, इसको भी अपन देखेंगे। और इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे आप 10th क्लास में थोड़ा देखा था आपने, फिर भी अपन इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे आपके लिए। तो ये दिस वन इज, ये आपकी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, C2H6 ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, C2H2 ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे इनमें सब में क्या आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग या ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को आपको, आप इसको ऑलरेडी जानते हैं। अब इसमें अपन पहला क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कर दें। तो हाइड्रोकार्बन किस किस तरह के हो सकते हैं, एक आपके पास रहेगा ओपन चेन सब जानते हैं ओपन चेन, और इसको एक और बोल देते हैं असाइक्लिक। दूसरा रहेगा आपके पास क्लोज्ड चेन, या इसको बोलेंगे अपन साइक्लिक कंपाउंड, यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन। उसके बाद में ओपन चेन को फिर डिवाइड कर देते हैं आप लोग कैसे, एक होता है अनसेचुरेटेड, दूसरा रहेगा आपके पास सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड के एग्जांपल आप देख लें तो इसमें रहेगा आपके पास एल्कीन और रहेगा आपके पास एल्काइन। सेचुरेटेड में आपके पास क्या रहेगा, अल्केन रहेगा। साइक्लिक में आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, साइक्लिक में आपके पास होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय, और हिट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में एक कुछ अलग कंपाउंड भी आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो ऐसे यौगिक क्या हो जाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक हो जाते हैं। इसके बाद में अब वन बाय वन अपन सैचुरेटेड में कौन सा आ जाएगा, के पास एल्केन आ जाएगा। अब वन बाय वन अपन क्या करते हैं, इनको शुरू करते हैं। पहला अपन लेते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, जहां पर n क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 and ... इन्फाइनाइट तक कार्बन हो सकते हैं, यानी कि n का वैल्यू जैसे मान लो इस फॉर्मूले में अपन डालें तो 1, 2 × 1+2 क्या बन जाएगा, C1 को लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, H
2 × 1 2 और 2 4, ये हो गया आपके पास CH4। क्या बन गया? CH4। ऐसे ये तो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये जो लिखने का तरीका है, ये आपने क्या लिखा है? कंडेंस्ड लिखा है, कंडेंस्ड। अब आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना चाहें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आपका कैसे बनाएंगे? कार्बन है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा। एल्केन है, एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड होता है, यानी कि सारे बॉन्ड कैसे रहेंगे? सिंगल रहेंगे। सारे बॉन्ड कैसे रहेंगे? सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने से आपको क्या है, इसका क्लियरिफाई हो जाता है, ऐसा दिख जाता है कि सारे बॉन्ड इसमें सिंगल है। फिर दो तीन बातें अपन एक और इसमें इसका नाम लिखने से पहले देख लेते हैं कि जैसे एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं अपन मेथ, दो कार्बन है उसको बोलेंगे अपन एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन हो तो अपन बोल देंगे उसको पेंट, छह कार्बन हो उसको बोलेंगे अपन हेक्स, सात कार्बन हो तो हेप्ट, इस तरह से ऑक्ट नॉन डेक तक अपन इसमें चलते जाएंगे। ओके, और जैसे मान लो एल्केन का नोमेनक्लेचर अपन करें तो नोमेनक्लेचर में नामकरण करने में क्या करेंगे, इसमें एक तो सफिक्स लगता है, सफिक्स क्या लगता है? ए एन ई, क्या लगता है? ए एन ई। जैसे मान लो इसी का अपन नाम लिखें, एक कंपाउंड है मेरे पास जिसमें एक कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं और एक कार्बन है, तो मैं बोलूँगा मेथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, 1 2 3 4, जो कि चार बॉन्ड होते हैं कार्बन के, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? चार बॉन्ड, और इसकी ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल चतुष्फल की होती है, बंद कोण या बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है कार्बन की स्ट्रक्चर में, तो चार वैलेंसी है, इन चारों में सारे बॉन्ड सिंगल है तो अनुलग्न क्या लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे? ए एन ई, क्या लगाएंगे? ए एन ई, मिला के क्या बोलेंगे? मेथेन, क्या बोलेंगे? मेथेन बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा अपन ले जैसे एन का वैल्यू 2 पुट करें इसी फॉर्मूले में, सी एन एच टू एन प्लस 2 में आपको एन का वैल्यू कितना रखना है? 2, तो सी टू एच 2 × 2 + 2 = C2H6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएं, दो कार्बन है इस तरह से बना देंगे, कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 6 हाइड्रोजन आपको अटैच करना है, 1 2 3 4 5 6, अपन ने तीन तीन हाइड्रोजन दोनों कार्बन को दे दिया है, कार्बन कितने हैं? 2 है। नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन है, क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एथ। और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे एकल बंद हैं, तो अपन क्या लगा देंगे? सफिक्स क्या लगा देंगे? एन, क्या लगाएंगे? एन, बिल्कुल सही, अपन क्या लगा देंगे? एन। तो ये बन जाएगा एथ और ए एन ई, यानी कि क्या बन जाएगा बोलो? बिल्कुल सही बोले, एथेन, एथेन बन जाता है। ओके, तो इस तरह से अपन आगे भी बनाते रहेंगे इसकी स्ट्रक्चर को। तो इस प्रकार से अपन को एल्केन, यहाँ पर अपन को इसको इतना ही पढ़ना है, उसके बाद में आगे अपन बढ़े तो एल्केन का एक और अपन पढ़े थे कि साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड। जैसे मान लो साइक्लिक ले लेते हैं इसका, असाइक्लिक में अपन ने देख लिया, तो साइक्लिक कौन कौन से हो सकते हैं? साइक्लिक में जैसे मान लो ये 3 कार्बन वाला ये मैंने ले लिया है एंगल, इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? मैं कुछ आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लो, इनके नाम लिखो, वीडियो को पॉज करें और इनके नाम लिखें। बिल्कुल ओके, देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, जैसा इसको बॉन्ड लाइन, इसकी जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो आपको इसको इस प्रकार से पॉज करके देखना है। और इसमें देखो कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे? प्रोप। और सफिक्स क्या लगाएंगे? सारे बॉन्ड सिंगल है, एन लगा देंगे,
दिस वन इज एन, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन, क्या बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। इसका नाम बताओ, ये जहां जहां पर भी ये कॉर्नर है इस पर अपन क्या मानते हैं कार्बन मानते हैं, क्या मानते हैं कार्बन मानते हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट, और सारे बॉन्ड सिंगल है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे सफिक्स क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, क्या बन जाएगा मिला के बोलो ब्यूटेन, क्या बन जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या रहेगा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक, क्या साइक्लिक है इसलिए क्या लगाएंगे सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे साइक्लो, तो ये क्या बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, क्या बनेगा साइक्लोप्रोपेन। ये ओपन चेन है, यहां पर कोई साइक्लो लगाने की अपन को जरूरत नहीं है। अब फिर से देखें क्या दिख रहा है, चार कार्बन 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 चार कार्बन, क्या बोलेंगे चार कार्बन को ब्यूट, रिंग है क्लोज है इसलिए क्या लगा देंगे प्रीफिक्स क्या लगाएंगे साइक्लो, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से अपन एल्कीन को यहीं पर खत्म करते हैं। अब दूसरा अपन लेते हैं हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड, यानी एल्कीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल्कीन। एल्कीन सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो क्या इसमें भी n बराबर 1 लिख सकते हैं क्या, चलो चेक करते हैं, लिख के रख के देखते हैं 1, 2 × 1 C1H2 कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 फिर भी कार्बन की 4 संयोजकता है, वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए n बराबर 1 रखना इसमें संभव नहीं है, इसलिए अब क्या रखेंगे n बराबर 2 रख के देखते हैं, इसी में n बराबर 2 क्या बन गया C2H4, क्या बन गया C2H4। देखो कंपाउंड बनता है कि नहीं बनता है चेक करते हैं, अपने पास तो चार हाइड्रोजन थे, चार हाइड्रोजन ने 2 इस कार्बन को दे दिए, 2 इस कार्बन को दे दिए, फिर भी अपने पास क्या दिक्कत रह गई 1, 2, 3, 4 कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बन पा रहे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 4 संयोजकता सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए अपन यहाँ पर एक क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड लगा देंगे, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं अल्कीन, ये अनसेचुरेटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड बोल देते हैं अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो अब इनके नाम देखते हैं अपन, तो इसमें एन का वैल्यू कहाँ से संभव हो सकता है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ओके। फॉर्मूले में एन का वैल्यू रखें अपन, मान लो 2 रख दें, H2 × 2 इक्वल टू C2H4 आ गया, कितना आ गया C2H4। स्ट्रक्चर बनाएं, दो हाइड्रोजन इसको देना है, 2 हाइड्रोजन इसको देना है, बन जाएगा आपके पास। अब डबल बॉन्ड यहां लगाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और 2 कार्बन है तो बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं बोलो एथ, क्या बोलते हैं एथ, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसका क्या बोलेंगे इसको ईन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसका सफिक्स क्या लगाएंगे ईन लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथीन हो जाता है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है एथीन हो जाता है। चलो आगे अपन इसमें एन, चलो इसमें एन का वैल्यू 3 रख के देखें, C3H
टू इन टू एन का वैल्यू रखेंगे थ्री, क्या बन जाएगा सी थ्री एच सिक्स, क्या बन जाएगा सी थ्री एच सिक्स। अरेंज करें, तीन कार्बन है, एक ई ने तो डबल बॉन्ड लगाना ही लगा देते हैं, इसको दो हाइड्रोजन इसको दे दिए, यहाँ पर कितनी वैलेंसी कम है, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कम है, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और तीन हाइड्रोजन हो गए, तीन अपने पास हाइड्रोजन और बचे हुए हैं, वन टू थ्री फोर, सभी कार्बन की चार संयोजकताएँ पूरी हो जानी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें, कार्बन के चार बॉन्ड या तीन बॉन्ड नहीं होने चाहिए, इसका अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज अपना पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप, डबल बॉन्ड, अनुलग्न क्या लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, इन इन, तो क्या बन जाएगा, मिला के बोलेंगे, मिला के क्या बोलेंगे, प्रोपीन प्रोपीन प्रोपीन, मिला के बोल देंगे इसको अपन प्रोपीन बोल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको मान लो एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार n बराबर इसमें चार रख के देखते हैं फॉर्मूले में, सी फोर एच टू इन टू फोर कितना बन गया, सी फोर एच एट कितना बन गया, सी फोर एच एट, अपन को वही है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझते जाना है, मैथ बिल्कुल मैथ्स की तरह वैल्यू रखो और आंसर आ जाएंगे, सी चार स्ट्रक्चर बना दो इसकी, अपन अनसेचुरेटेड एल्किन पढ़ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड पहले ही लगा के फ्री हो जाओ ताकि अपने पास अब हाइड्रोजन का हिसाब करना रहेगा, इस कार्बन को फ्री कर देते हैं, दो हाइड्रोजन दे के फ्री, इसके चार हो गए, इसके पास कितने की ज़रूरत है, एक हाइड्रोजन की, इसके पास कितने की ज़रूरत है, दो हाइड्रोजन की, तो अपने पास पांच हाइड्रोजन हो गए, तीन हाइड्रोजन बचे, वो तीन हाइड्रोजन अपन इस कार्बन को दे देंगे। ठीक है, यहाँ से अलग है, नंबर करें वन टू थ्री फोर, चार कार्बन, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट, और एल्कीन, एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, इन ई एन ई, क्या होता है, मिला के क्या बोलेंगे ब्यूटीन, क्या बोलेंगे ब्यूटीन बोल देंगे, तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ, आप उनके नाम लिख के बताएं, ये लो ये लो, उसके बाद में चलो वीडियो को पॉज करें और इनके नाम लिखें। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, वन अपन आपको पता है कॉर्नर पर कार्बन मानते हैं, वन टू थ्री फोर फोर, चार कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे ब्यूटीन, क्या बोलेंगे ब्यूटीन, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच कार्बन है, तो इसको बोल देंगे पेंट प्लस ई एन ई पेंटीन, क्या बोलेंगे पेंटीन पेंटीन, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है तो सिक्स को बोलते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड लगते ही क्या हो जाएगा इन, तो हो जाएगा मिला के पढ़ेंगे हेक्सीन, क्या पढ़ेंगे हेक्सीन। ओके, तो इसमें भी तो साइक्लो कंपाउंड हो सकते हैं, अगर एल्केन में हो सकते हैं तो एल्किन में क्यों नहीं हो सकते, देखते हैं। ये लो तीन कार्बन है, वन टू थ्री, और साइक्लिक है इसलिए क्या लगाएंगे साइक्लो, क्या लगा देंगे साइक्लो, तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे प्रोप, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, एक डबल बॉन्ड है क्या लगेगा इन, मिला के क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपीन, क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपीन प्रोपीन, क्या बन जाएगा साइक्लोप्रोपीन। इस प्रकार से के भी आपके कंपाउंड आ सकते हैं, इनके भी आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए। चलो इसका बता दो, बिल्कुल साइक्लो ब्यूटीन डबल बॉन्ड है, साइक्लो ब्यूटीन
अब आप देख लेना, साइक्लो लगा देंगे, चार कार्बन है ब्यूट लिख देंगे, और डबल बॉन्ड है इन लगा देंगे, तो साइक्लो ब्यूट प्लस इन मिला के पड़ेंगे साइक्लो ब्यूटीन। ओके, अगला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपने पास आ रहा है वह है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। एल्काइन ठीक है, इसका फॉर्मूला CnH2n-2 रहेगा। क्या रहेगा? माइनस का 2 लग जाएगा। तो फॉर्मूले या एक प्रकार से फिर से रिवाइज कर लें, एल्केन में CnH2n+2 होता है, एल्कीन के अंदर कुछ नहीं होता केवल CnH2n होता है, और एल्काइन के अंदर क्या होता है? माइनस का 2 होता है। ठीक है, अब चलो देखो इसमें एक तो अपन वो देख लेते हैं कि सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स अनुलग्न क्या लगाओगे आप? आइन, वाई एन ई, यानी जहां पर भी आप एल्केन लिखते थे तो ए एन ई को किससे रिप्लेस कर देंगे? ए एन ई को किससे रिप्लेस करेंगे? वाई एन ई से। ठीक है, इससे रिप्लेस करेंगे वाई एन ई से। वैल्यू रख के देखें, क्या इसमें भी एन बराबर 1 रखना पॉसिबल है क्या? चलो देखते हैं, सी एन एच टू इन टू 2-2, एन का वैल्यू 1 रखना था, 1 रखेंगे, 2-2 यानी कि एच तो 0 हो गया, कंपाउंड नहीं बन पाएगा, इसलिए अपन एन का वैल्यू इसमें 2 रखना, 1 रखना संभव नहीं है, तो अपन क्या करें, चलो 2 रखते हैं, एन का वैल्यू 2 रख के देखते हैं, सी टू 2-2 कितना हो गया? सी टू एच 2-2 4-2 कितना हो गया? 4-2 2 C2H2। एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अरेंज करें, 2 कार्बन है ऐसे लगा देंगे, उसके बाद में कितने बॉन्ड? 1 कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन कितने बचे? 2, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, सेटिस्फाई हो गए। कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1, 2, 3, 4, 1 वाले के भी हो गए और 2 वाले के भी, 1, 2, 3, 4, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 और 2, 2 कार्बन है तो बोलेंगे इसको एथ, और अनुलग्न या सफिक्स क्या लगा देंगे? वाई एन ई, तो बन जाएगा क्या? एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन। तो इसका नाम क्या होता है? एथाइन होता है। और इसके एग्जांपल में आपको बताना चाहूं, जैसे इसी को ले लेते हैं ना, वही बॉन्ड लाइन। आजकल क्या है कि जैसे मान लो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना दे तो उसमें अपन को टाइम ज्यादा लगता है, तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ने जैसे विकास किया तो इनको बॉन्ड लाइन में लिखने लगे, क्योंकि सबको क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है, कम पेपर का यूज करना है और टाइम भी कम लगे। तो इसमें देखो, इसका नाम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। एक ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है मुझको, इसलिए बोलेंगे वाई एन ई, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके नाम अपन लिख सकते हैं, और इसमें भी साइक्लो कंपाउंड हो सकते हैं, साइक्लो कंपाउंड सभी में रहेंगे, जैसे ये वाला एक, ये वाला हो गया, और इसके नाम लिखो, वीडियो को पॉज करें, नाम लिखें, बिल्कुल आपने लिख लिया होगा, आई होप मैं लिख पाता हूँ आपको, 1, 2, 3 3 कार्बन है और क्लोज रिंग है, रिंग बंद है, तो बंद जहाँ भी आएगा अपन को साइक्लो लगाना है, साइक्लो लगा देंगे। उसके बाद में आपके पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं आप प्रोप, बोलते हैं प्रोप, हो जाएगा। उसके बाद में एक ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसलिए अनुलग्न क्या लगाएंगे? वाई एन ई, तो सबको मिला के बोलेंगे साइक्लो प्रो पी, यहाँ तक लिखना है, और साइक्लो प्रोपाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लो प्रोपाइन बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका नाम लिखें, इसका नाम,
यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये साइक्लो तो लिखेंगे ही सही क्योंकि ये साइक्लिक है, चक्रीय कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है, और चार कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन ब्यूट, और एक ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, त्रिबंध का अनुलग्न या सफिक्स क्या लगाते हैं आप, आयन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आयन, तो ये हो जाएगा इसको मिला के क्या पढ़ेंगे, साइक्लो ब्यूटाइन, साइक्लो ब्यूटाइन, इस प्रकार से इनके नाम हो जाएंगे।